आज कह रहे थे अभी एक बात, जयप्रकाश जी ने कही एक बात कि 2004 में जो हिसार से वो जीते थे, तो मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश जी जब हिसार से आप जीतते हो, पिछली बार जब आप जीते थे 10 साल तक कांग्रेस सरकार आई थी, तो ये शुभ संकेत है। तो ये शुभ संकेत है हिसार से जो आपकी जो जीत है अभी इस बार, मैं समझता हूँ कि भैया जो है आप दूसरी बार वहां से ये बता रहे हैं, तो ये कम से कम 20 साल के तक कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है और इस कार्यक्रम का जो नाम है वो हरियाणा मांगे हिसार, वो उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बात बता दी कि भाई वो सारी बातें क्या हैं जिन पे हम हिसाब मांगे। हरियाणा 10 साल का हिसाब मांग रहा है, हरियाणा कुल मिलाकर हरियाणा का भट्टा क्यों बिठा दिया, इसका हिसाब तो मांगना पड़ेगा। हरियाणा मांगे हिसाब, मगर इसमें नारा एक और मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूँ जो जोड़ा जाए कि हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही है आस। हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं हरियाणा के लोग। आप किसी से बात करो क्योंकि कांग्रेस से ही आस है। इसको लेके जाएंगे, इसके तीन इसके पहलू हैं इस कार्यक्रम के डोर टू डोर के, कि पहला तो ये जो 15 प्रश्न है जो जिसके मामले में हम कांग्रेस बीजेपी की सरकार से हिसाब मांग रहे हैं, उन प्रश्नों को लोगों के हर दरवाजे पे लेके जाएंगे। दूसरा, हम अपने संकल्पों से लोगों को अवगत कराएंगे जो घर घर कांग्रेस में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में जैसे आपने किया था। और तीसरा, सभी से सुझाव लेंगे, जो सुझाव ये जो आगे आप बॉक्स देख रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से ही आस, इन जो है जो भी सुझाव पेटी हैं, इन पेटियों के माध्यम से जो हमारे मैनिफेस्टो के लिए लोगों की जो आशाएं उम्मीदें हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो कांग्रेस की सरकार बने, तो जो लोग देखना चाहते हैं कि हरियाणा किस रूप में आगे जाए या प्रदेश के लिए हर वर्ग की हर व्यक्ति की आशाएं उम्मीदें हैं, सब चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने और वो आगे हरियाणा को एक स्वर्णिम काल की तरफ लेके जाए, तो उन सबसे सुझाव एकत्रित करने की भी जिम्मेदारी आपकी। जो मैं समझता हूं कि आज कुछ जो सुझाव वाहन हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सारे जिलों में जाएंगे, उन सुझाव वाहनों में इस तरह की पेटियों के माध्यम से आप लोग भी डोर टू डोर के माध्यम से अपने जितने सुझाव इकट्ठे कर सकते हैं लोगों के वो आप देना, ताकि ये 15 अगस्त तक जब ये कार्यक्रम चलेगा तो इन सारे सुझाव को हमारी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, गीता जी यहाँ बैठी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हो सके यथासंभव उनको स्थान मिले। तो ये तीनों उद्देश्य लेकर ये डोर टू डोर होगा, बीजेपी के प्रश्न के ऊपर प्रश्न भी, अपने संकल्प भी और लोगों के सुझाव भी। इस डोर टू डोर में इस कार्यक्रम को करने के लिए जैसे कभी भी कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम आया, हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जहां भी मेरी जिम्मेदारी लगी, कोई भी इन पिछले 20 वर्षों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई भी कार्यक्रम आया हो या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कभी दिल्ली में कोई रैली की बात हो या कहीं देश के किसी कोने में जाके पहुंचने की बात हो, हमेशा आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने भी अपनी ओर से हमेशा कोशिश करी है। और ये जो कार्यक्रम आया है और आपका सहयोग रहा है, दिल्ली की तो रैलियों में आपके ज़्यादा किसका सहयोग रह सकता है, तो ये जो कार्यक्रम आया है मैं भी अपनी तरफ से, आप तो करेंगे लेकिन मैं भी आज ये कहना चाहता हूँ, मैं भी अपनी ओर से 90 की 90 विधानसभा प्रदेश के कोने कोने में पहुंचकर इस कार्यक्रम को लेकर मैं आगे आपके साथ में पहुंचूंगा। हर विधानसभा में, प्रदेश के हर कोने में जहां आप बुलाएंगे मैं हर जगह पहुंचूंगा। जो कार्यक्रम का रूप होगा वहीं से जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तय करें, वहां पर उस विधानसभा में छोटी लघु पदयात्रा नगर फेरी भी हो सकती है। ये कई विधानसभाओं में जहां से कल से हम शुरू कर रहे हैं करनाल से, वहां पे तय किया गया है। किसी विधानसभा में अगर सभा की जरूरत है, कुछ गांव को कवर करने की जरूरत है कि 2-3 पॉइंट बनाकर कि 2-3-4 सभा हो जाए, अलग अलग गांव कवर हो जाए, तो वहां गाड़ी से वो भी कवर कर लेंगे। लेकिन हर जगह पहुंचकर कोई भी रूप रहेगा इस अभियान का, हर जगह पहुंचकर, ताकि डोर टू डोर अभियान में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी चलूं। और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जो है डिस्ट्रिक्ट्स में इस कार्यक्रम को 1 महीने तक आप लोग इसको चलाएं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं बना लूं अपना प्रोग्राम,